तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत केमिस्ट्री 2020 जो मार्च के अंदर कंडक्ट हुआ था उसके डिटेल सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने केमिस्ट्री सेक्शन से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं 15 to 20 क्वेश्चन, जिसके साथ ही हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज को। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 75 और 80 का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कशन करने के साथ ही, जो कि आपको आने वाले एग्जाम पेपर जो कि री एग्जाम हो रहा है भारत का फिर से, उसके अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो हमसे पूछा गया था कि भाई एंगुलर मोमेंटम Lx और Ly का कम्यूटेटर क्या होगा, यानी कि कम्यूटेशन क्या होगा। क्वांटम केमिस्ट्री से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है। देखो इसमें क्या होता है, साइक्लिक रूल की तरह वो चीज फॉलो होती है, जैसे x, y और z इस तरीके से होते हैं ना। तो हमें इसका सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आने वाले एग्जाम में सिर्फ सिंपल पूछ ले x और y की टर्म में क्या होता है। तो दोनों चीजें देख लेते हैं हम। Lx क्या होता है, देखो x है तो x के बाद क्या आता है, y आता है, तो क्या आएगा, y p z, फिर माइनस का साइन, फिर क्या इसी को रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, जेड पी वाई। इसी तरीके से अपने आप से y लिख सकते हो। y क्या होगा, y के बाद क्या आता है, y के बाद आता है z, तो z और क्या रह गया मेरे, x रह गया, फिर से रिपीट होगा साइकिल, ऐसे रिपीट होगा z के बाद x, तो y जेड पी एक्स माइनस इसी का रिवर्स एक्स पी जेड। ये तो होगी दोनों की वैल्यू। अब अगर किसी का कम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करना हो, तो जैसे कि ए और बी दे रखा है, दो ऑपरेटर इनके बारे में निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस बी इंटू ए। अगर दोनों का जीरो आता है तो कभी कम्यूटेशन नहीं है, ठीक है, ये कम्यूट, अगर दोनों का जीरो आता है तो मतलब कम्यूट कर रहे हैं, जीरो नहीं आता है तो जो वैल्यू बचती है वो इसका क्या होगा, कम्यूटेशन होगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम को अगर इस टर्म में करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और बार के अंदर इतना टाइम नहीं होता है, हमें एक मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है हमारा विद एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपको इसके अंदर एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि Lx और Ly है तो क्या होगा, आयता एच क्रॉस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है कि सीरीज में एक्स और वाई है तो प्लस का साइन आएगा, आयता एच कट, बच क्या गया, जेड बच गया, तो आंसर क्या होगा, एल जेड, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया, इसका ऑप्शन है सी। इसी तरीके से अगर वो ये दे देता एल वाई और एल एक्स, तो यही रहेगा जो बच गया, जेड बच गया, आयता एच कट एल जेड तो रहेगा, बट ये सीरीज रिवर्स में जाके देखो वाई के बाद जेड आना चाहिए, एक्स आ रहा है ना, उल्टा है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो पूछ लेता किसका, एल वाई और एल जेड का, तो क्या आ जाएगा, आईटा एच कट एल एक्स आ जाएगा। बस इसी रूल को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है, प्लस का या माइनस का वो देख लेना, अगर रिवर्स में पूछा है तो प्लस का आ जाएगा, अगर मान लो सिंपल सीधे जा रहे हैं तो प्लस का रहेगा, अगर हम वापिस आ रहे हैं तो माइनस का साइन हो जाएगा। एक्स और वाई दे रखा है तो जेड आ जाएगा, वाई जेड दे रखा है तो एक्स आ जाएगा, जेड जेड एक्स दे रखा है तो वाई आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारा क्वांटम केमिस्ट्री बैकग्राउंड से था। इसके अंदर हमें पूछा गया था कि भाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है, यानी कि डीवी पूछा था, यानी कि क्या होता है, जैसे कि अगर हम बनाएं ग्राफ के अंदर दिखाएं, अगर ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं पोलर की फॉर्म में, आर थीटा और फाई, ठीक है, यहां से यहां तक होगा। थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल होता है थीटा, ठीक है, फाई क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन क्या पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मैथ लगा के इसको कन्वर्ट करेंगे कि भाई ये कितना है, एक्स पे कितने पे काट रहा है, वाई पे कितने पे काट रहा है, तो हम देखेंगे कि एक्स आएगा आर साइन थीटा कोस फाई के बराबर, वाई आएगा आर साइन थीटा साइन फाई के बराबर, और जेड आएगा आर कोस थीटा के बराबर। आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट तक जा सकता है, और थीटा जीरो से पाई तक जा सकता है, और फाई जीरो से
2 पाई तक जा सकता है। ये तो हो गया मैथ्स के लिए, हमें सिंपल सा बस इतना याद रखना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ये कुछ डायरेक्ट एक्सप्रेशन है जो कि हमें याद रखने होंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट अगर हम इसको पूरा सोल्व करके निकालेंगे ना, डीवी यानी डीएक्स डीवाई डीजेड करके अगर हम निकालेंगे डीवी, तो वो हमारे पास निकल के आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। वैसे बीएससी के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर जो क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके हम पूरी डेरिवेशन करते हैं इसकी, ठीक है। तो वहां से हमें ये हर क्वेश्चन के अंदर हम यूज करते हैं, तो हमें ये याद हो जाती है टर्म कि भाई डीवी कितना होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। एक्सप्रेशन याद होगी तभी तुम कर पाओगे, क्योंकि अगर वहां तुम सोल्व करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 भी क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिक से था। हमसे पूछा गया था कि भाई 3pz ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन हैं। तो भाई नोडल प्लेन क्या होते हैं वो देखते हैं। नोडल प्लेन क्या होता है कि भाई एक ऐसा प्लेन जिसके अंडर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। जीरो तो नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3pz ऑर्बिटल देख लेते हैं कि भाई दिखता कैसे है। तो 3pz ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर ये pz है, यहां पर y लें और ये क्या हो जाएगा x, 3pz है। अब देखो भाई कहां कौन से प्लेन में इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकती है। तो भाई ये वाला प्लेन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी एक्स वाई प्लेन पे। और कहीं भी दिख नहीं रही है आपको, कहीं दिख रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकती है और कहीं भी जीरो नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में जीरो होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा भाई एक्स वाई प्लेन होगा। वो प्लेन भी पूछ सकता था कौन सा प्लेन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। तो कितने नोडल प्लेन हो गए पीजेड ऑर्बिटल के अंदर, पीजेड ऑर्बिटल के अंदर हो गया एक नोडल प्लेन, ठीक है। चाहे 3pz आए चाहे 2p आए चाहे कोई भी आए, इसका फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ नोडल प्लेन देख रहा था। तो आंसर क्या होगा, वन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 भी क्वांटम केमिस्ट्री से है। इसके अंदर हमें पूछा गया था कि भाई 1D बॉक्स के अंदर जिसकी लेंथ a है, मास m है और हाइट इंफिनिटी है, तो हमें उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी पूछी गई थी। सॉरी, तो जीरो पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला देखो, एनर्जी कितनी होती है, en इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। यहां पर n क्या होता है कि भाई लेवल कौन सा है, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहां पर m क्या होता है, m होता है भाई मास कितना है, और l क्या होता है, l होता है कि भाई लेंथ कितनी है बॉक्स की, ठीक है। सिंपल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेंथ होती है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब सबसे लोएस्ट लेवल, यानी कि n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, ठीक है। और l कितना है हमारे पास, a है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो कितना निकल के आएगा, e1 इज इक्वल टू कितना आएगा, n की वैल्यू 1 है, h स्क्वायर है 8 है, m का m है, l की जगह a आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। n की वैल्यू कुछ और होती तो आंसर कुछ अलग निकल के आ जाता, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 54 को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर हमें कि बोला था कि भाई कोई मेटल है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि स्पिन ऑन ए मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 4 बोर मैग्नेटॉन। हमें क्या करना है, उस मेटल को बताना है कि भाई कौन सा मेटल है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें अगर हम, स्पिन ओनली का होता है अंडर रूट n इनटू n प्लस 2। यहां पर n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कि भाई कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले 4 आ रहा है, यानी कि n इंटू एन प्लस 2 क्या है, 4 के बराबर है, ठीक है। यानी कि n इंटू एन प्लस 2 क्या किसके बराबर है, 16 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर करें। अब देखो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 3, 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8,
3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3 15, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्स एंड अप्रोक्स, यहां पर ये क्या दे रखा था, फोर बैग बोर वैल्यू ना अप्रोक्स दे रखा था, यानी कि अगर हम वैल्यू निकाले तो एन की वैल्यू अप्रोक्स एंड अप्रोक्स 3 आएगी, क्योंकि 4 से तो बहुत ज्यादा चला जाएगा वो, ठीक है। तो एन की वैल्यू 3, यानी कि नंबर ऑफ पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 रहने चाहिए। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, T2g होता है और ये क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। T2g5 यानी कि 1 2 3 4 5, Eg2 यानी कि ये हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, T2g4 है, 4 कैसे पुट करा जाए, ये Eg2 है मतलब ये नहीं हो सकता। T2g6 है, Eg0 है यानी कि ये भी नहीं हो सकता। T2g6 है, Eg2 है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। सिंपल सा तरीका, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इस बार भी आ जाएगा री एग्जाम के अंदर, कि भाई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 है, एन की वैल्यू निकाली, अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लगे, सब में ट्राई करके देखा कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है, ए बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर हमसे पूछा गया है, समेरियम प्लस 3 और यूरेनियम प्लस 3 की टर्म सिंबल क्या होगा। इसके लिए हमें बेसिकली सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, यानी कि एफ ब्लॉक की, यानी क्या होता है, अगर हम याद करें तो यहाँ अलग अलग बंदे के अलग अलग तरीके होते हैं इसके, ठीक है, तरीके होते हैं, ये क्या होता है F1 होता है, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो तुम जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं, अलग अलग तरीके होते हैं सबके, जिसको जिस तरीके से याद रहे उस तरीके से याद रख सकते हो। तो अब समेरियम है 5 है यानी कि F5 है ये, ठीक है। यहां पर यूरेनियम प्लस 3 है, ये क्या है, F6 है, ठीक है। तो सबसे पहले समेरियम प्लस 3 की बात कर लेते हैं, F5 F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है। ये क्या होता है, प्लस 3 होता है, प्लस 2 होता है, प्लस 1 होता है, 0 -1 -2 -3, L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 -1, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, और हाफ फील्ड से कम है तो L माइनस S लेंगे, कितना आएगा, 5 -5/2 यानी कि 5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो टर्म सिंबल क्या होता है, टर्म सिंबल होता है मेरा कोई भी हम लिखेंगे यहां पर L, यहां पर क्या लिखेंगे हम 2s+1 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे J लिखेंगे, और J जब हाफ फील्ड से कम हो तो L माइनस S लेते हैं, हाफ फील्ड हो या ज्यादा हो तो L प्लस S लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो 2s+1 क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें L की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 यानी कि S P D F G H 0 1 2 3 4 5, 5 यानी कि H रहेगा, ठीक है। J यानी कि L माइनस S लेंगे, L माइनस S कितना है, 5/2 है, ठीक है। अब क्या है, 2s+1, S कितना है, 5/2 है, 2 × 5/2 कितना आ जाएगा, 2s+1 की बात करेंगे तो 2 × 5/2 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि समेरियम की कितनी आ जाएगी, समेरियम की तो आ गई मेरी 6h5/2, यानी कि अगर हम इसमें से ऑप्शन देखें हमें आंसर तो पता लग ही गया, फिर भी हम किसकी कैलकुलेट करेंगे, यूरोपियम की कैलकुलेट करेंगे। यूरोपियम क्या है, अब बात करें तो यूरोपियम क्या है, प्लस 6 है, यूरोपियम क्या है, प्लस 6 है, तो एक और यहां पर आ जाएगा, यहां पर आने के बाद एक और क्या हो जाएगा, यहां पर -2 और ऐड हो जाएगा, ठीक है, -2 और ऐड होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 की हाफ होती है 6 की 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, अभी भी हाफ फील्ड से कम है तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब L क्या है, 3 है, 3 पर कितना होता है, F होता है, यानी कि क्या आएगा, टर्म सिंबल F आएगा, ठीक है। 2s+1 कितना होगा, S कितना है, 3 है, 2s+1 कितना होगा, फिर 2 × 3+1 यानी कि 7 होगा, यहां पर 7 आ जाएगा। L माइनस J होता है, यहां पर L माइनस S लेंगे क्योंकि हाफ फील्ड से कम है, तो 3 - 3 यानी कि 0,
ठीक है, इस तरीके से हमने आंसर हमारा कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको टर्म सिंबल का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो आप टर्म सिंबल निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि टर्म सिंबल निकालने का तो सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रॉन फिल किए, एल फाइंड आउट किया, एस फाइंड आउट किया, हाफ फील्ड से कम है तो एल माइनस एस हो जाएगा जे, हाफ फील्ड से ज्यादा है तो एल प्लस एस हो जाएगा जे। सिंपल से तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया इतना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 था हमारा ऑर्गेनोमेटालिक बैकग्राउंड से, इसके अंदर हमसे पूछा गया था कि भाई ये रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है कंपाउंड को बनाने के, देखो क्या बनेगा इसके अंदर, सिंपल सी बात है ये होगी डी हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ये डी हैलोजिनेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन, यानी कि पहले हैलोजन निकल जाएगी सारी और फिर क्या होगा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा सिंपल सी बात है, ये वाली हैलोजन निकलेगी इधर से ये वाली हैलोजन निकलेगी, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा, अब इसके साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हमें सिंपल से तरीके से देखो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए, इस टाइप से इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, ये देखो एफ, इसमें कितने होते हैं, ये कितने आ गए चार, इसके आ गए एफ के अंदर आठ होते हैं, आठ चार बारह, तीन छह चाहिए, छह चाहिए यानी कि तीन सीओ लग जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, बस यही पूछा था, यानी कि ऑप्शन में क्या दे रखा था सी फोर एच फोर एफ ई सीओ की थ्री, ये वाला आंसर होगा। बहुत ही फेमस रिएक्शन है इस कंपाउंड को बनाने के लिए, ये वाली बहुत बार पूछी जा सकती है इसके बारे में, क्योंकि आगे पूछा सकता है ये रिएक्शन क्या है, पहले तो डी हैलोजिनेशन होगा उसके बाद कॉम्प्लेक्सेशन होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑर्गेनोमेटालिक से लर्निंग बेस पर था कि याद होगा तो हो जाएगा, ध्यान रखना ऑर्गेनोमेटालिक का क्वेश्चन आए तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके देखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी थे उसमें जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा स्पाइनल से, हमसे इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि नॉर्मल स्पाइनल बनाता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि भाई स्पाइनल क्या होता है, स्पाइनल होता है मिक्स मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं मिक्स मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं स्पाइनल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या फॉर्मूला होता है इसका, Ab2x4 होता है, जिसके अंदर ए क्या होता है मेरा प्लस टू में होता है और बी क्या होता है मेरा प्लस थ्री के अंदर होता है, और एक्स क्या होता है यहाँ पर जो कि लैटिस बनाता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और सेलेनियम हो सकता है। अब नॉर्मल स्पाइनल के अंदर अरेंजमेंट क्या होती है कि जब वो नॉर्मल होगा तो अरेंजमेंट होगी उसके अंदर ए टू प्लस मेरा टेट्राहेड्रलवॉइड में होगा और बी थ्री प्लस मेरा क्या होगा ऑक्टाहेड्रलवॉइड के अंदर होगा और एक्स फोर अपना लैटिस बनाएगा, ये क्या होगा मेरा नॉर्मल स्पाइनल। अब चेक कैसे करेंगे कि भाई नॉर्मल है या नहीं है, चेक हम करेंगे सीएफएससी से, सीएफएससी कैलकुलेट करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि भाई सीएफएससी स्टेबलाइजेशन बताती है, भाई जिसकी सीएफएससी ज्यादा वो उसमें ज्यादा स्टेबल, तो मैं चेक करूंगा कि जो बी थ्री प्लस की जो ऑक्टाहेड्रल में सीएफएससी है वो ज्यादा होनी चाहिए बी थ्री प्लस की टेट्राहेड्रल से। दूसरी बात, बी थ्री प्लस की सीएफएससी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, ए टू प्लस के ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। तीसरी बात, बी थ्री प्लस की सीएफएससी ज्यादा होनी चाहिए ए टू प्लस के टेट्राहेड्रल, मतलब बी थ्री प्लस की जो सीएफएससी है हर एक कॉम्बिनेशन से ज्यादा होनी चाहिए, बी थ्री प्लस के टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा होनी चाहिए, ए टू प्लस के ऑक्टाहेड्रल के या ए टू प्लस के टेट्राहेड्रल के, इनमें से जो कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग बोल दूंगा कि भाई मेरा नॉर्मल स्पाइनल है। बेसिकली हमें इतनी सी बात है, नॉर्मल के अंदर बी थ्री प्लस ऑक्टाहेड्रल में जाना चाहिए और ए टू प्लस टेट्राहेड्रल में जाना चाहिए, यानी कि अगर मैं चेक कर लेता हूं बी थ्री प्लस की इनसे ज्यादा है सीएफएससी तो ये क्या रहेगा मेरा नॉर्मल स्पाइनल रहेगा। तो वन बाई वन सबका हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा नॉर्मल स्पाइनल है। तो इसके लिए क्या है, देखो यहां पर Fe3O4 है, इसमें क्या है Fe+2 है जो कि क्या है D6 है और Fe+3 है जो कि क्या है D5 है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन पता लग ही जाएगी। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सबकी सीएफएससी कैलकुलेट करनी है कि भाई Fe3+ की ऑक्टाहेड्रल में कितनी आ रही है, Fe3+ की टेट्राहेड्रल में कितनी आ रही है,
Fe2 प्लस की ऑक्टाहेड्रल में कितनी आ रही है, Fe+2 की टेट्राहेड्रल में कितनी आ रही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम ये होता है, टेट्राहेड्रल का सबको पता ही है भाई, T2D और ईजी ग्रेजुएशन में करते आए हैं हम। अब D5 देखें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब करेंगे देखो, 6 × 2 + 12 − 4 × 3 − 12, ये क्या हो जाएगा, 0 डेल्टा हो। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे D5, ये भी क्या आएगी, 0 डेल्टा टी। ठीक है, अब प्लस 2 वाले की चेक करेंगे, प्लस 2 यानी कि D6, यानी कि एक और बढ़ गया, यानी कि इसकी ओवरऑल कितनी बचेगी, जब तुम CFSC कैलकुलेट करके देखोगे इतनी आएगी −4 डेल्टा हो, इसकी करके देखोगे एक और बढ़ जाएगा तो कितनी आएगी, −6 डेल्टा टी। तो तुम देख रहे हो कि Fe3+ की हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, साइन नहीं देखना है, साइन का मतलब स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या देख रहा हूं, Fe3+ की 0 है, जो कि इनसे कम आ रही है, हमें ज्यादा चाहिए थी, इसका मतलब ये नॉर्मल तो है नहीं, ये क्या है, इनवर्स स्पाइनल है, यानी कि ये वाला जो मेरा पहला ऑप्शन है ये क्या है, मेरा इनवर्स है। ठीक है, अब सेकंड वाली की चेक कर लेते हैं, Mn3O4 है, यानी कि Mn+2 में है, जो कि क्या होगा, D5 होगा, और Mn+3 में है, जो कि क्या होगा, D4 होगा। ठीक है, अब D5 वाले की तो हम चेक कर ही चुके हैं कि हमें पता है कि भाई Mn+2, ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल में भी 0 आएगी, Mn+2 टेट्राहेड्रल में भी 0 आएगी। अब बात रहती है Mn+3 वाले की, Mn+3 ऑक्टाहेड्रल में चेक कर लेते हैं, Mn+3 टेट्राहेड्रल में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस 3 यानी कि D4 हो गया, D4 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखो नीचे क्या, 4 × 3 = 12 है, −6 ही है। ठीक है, तो यानी कि 6D³ बचेगा, −6 डेल्टा बचेगा। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो 2 और 2 = 4, ठीक है, नीचे क्या है, 6 × 2 = 12 है, ऊपर क्या है, 4 × 2 = 8 है, यानी कि −4 डेल्टा टी बचेगा। तो इसमें देख सकते हो तुम, जो प्लस 3 वाले की है वो कितनी है, 6 है, जो कि इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा है, मतलब प्लस 3 वाले की सबसे ज्यादा है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, सबसे ज्यादा है, तो मतलब ये क्या होगा, मेरा नॉर्मल स्पाइनल होगा। ठीक है, आंसर तो हमें मिल गया। इसी तरीके से हम बाकियों का भी चेक कर सकते हैं, जब बाकियों का चेक करोगे तो ये भी इनवर्स निकलेगा, ठीक है, और ये भी इनवर्स निकल के आएगा मेरा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स भी हो जाते हैं, वो डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल क्या है, Mn3O4 है, ये मेरा आंसर है। इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं दोबारा से कि क्या Mn+2 में है और Mn+3 में है। प्लस 2 यानी कि D5 है, प्लस 3 यानी कि D4 है। D5 होगा तो 500 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6 − 4 × 3 12 यानी कि 0। ठीक है, जब D5 की इसमें चेक करेंगे तो भी 0 आएगी, बट D4 की चेक करेंगे तो क्या आएगी, −6 आएगी, यहां पर −4 आएगी। माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस देखना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं कि जो Mn+3 वाले की है वो ऑक्टाहेड्रल में जो है वो सबसे ज्यादा है इन तीनों से, टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा है, मतलब बाकी तीनों कॉम्बिनेशन से ज्यादा है, इसका मतलब मेरा ये नॉर्मल स्पाइनल होगा। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर हमें पूछा था तो ये पैराब्रोमो क्लोरोबेंजीन की रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक साइड ब्रोमीन लगा दो, एक साइड प्रोटीन लगा दो। ठीक है, जब भी कोई रेसिडुअल एंट्रोपी पूछे तो रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होता है, KLnm की पावर n होता है। K यहां पर क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और m यहां पर क्या होता है कि भाई कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होती है। ठीक है, n यहां पर क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो अरेंजमेंट का मतलब डाइपोल मोमेंट की अरेंजमेंट चेक करनी है। इसमें देख लो एक योग या तो इस साइड जा रहा होगा टोटल या फिर इधर आ रहा है, ठीक है। दो ही टाइप से बन सकते हैं, जैसे हम डाइपोल मोमेंट जैसे हम करते हैं ना, जैसे सीओ में चेक करते हैं, सीओ की अरेंजमेंट चेक कर रहे थे इस तरीके से, एक ये हो गई ठीक है, सीओ टू की चेक करते थे इस तरीके से होगी, इस साइड से होगी, ठीक है। अरेंजमेंट चेक करनी है हमें, जब हम अरेंजमेंट चेक करेंगे तो इसकी क्या होगी, दो अरेंजमेंट हो गई, यानी कि एम की वैल्यू क्या है, टू है, यानी कि जो मेरा डेल्टा एस क्या आएगा, मेरा के एल एन टू की पावर एन आ जाएगा, एन आगे आ जाएगा एल एन टू आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, के इंटू एन क्या होता है, आर होता है, माइनस का साइन होता है, सॉरी आगे ठीक है, माइनस लगाना मत भूलना, माइनस आर एल एन टू। अब इसको सोल्व करेंगे, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 होती है एल एन टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5.7, ठीक है। देख लेना यूनिट 5.7 किलो जूल में आ रही है या जूल में आ रही है, उसके बेसिस पे तुम आंसर टिक कर सकते हो। इसको सोल्व करना है, इसकी यूनिट तो जूल में होती है, ये वाली एल एन टू की वैल्यू देख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर 5.7 था कुछ ऑप्शन के अंदर, वही आंसर इसका रहेगा, ओके ठीक है। तो इस तरीके से हमने 59 क्वेश्चन में देख लेना, ये अरेंजमेंट है ना, ऐसे वाले मॉलिक्यूल जो लीनियर टाइप के मॉलिक्यूल जो दिखते हैं ना, उसमें अरेंजमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, टू रहेगी, सिंपल इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ओके। अब बढ़ते हैं आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 के अंदर हमें लैंथेनाइड सीरीज के आयन दे रखे थे, हमसे पूछा गया था किसका मैग्नेटिक मोमेंट क्लोजेस्ट होगा स्पिन ओनली वैल्यू के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम इसको कैलकुलेट करने बैठे स्पिन ओनली तो क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है, वो तुम निकाल लोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन से, फिर क्या आता है, फिर आता है कि एक्सपेरिमेंटल कैसे निकालोगे, वो जी जे निकालना पड़ेगा जे वैल्यू से, मतलब बहुत लंबा पड़ेगा। बस सिंपल सा इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, इसने बोला था क्लोजेस्ट किसके लिए होता है। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना स्पिन ओनली वाली, मतलब जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली के बराबर होता है, वो होता है F7 एंड F14 के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट आता है, ठीक है। बाकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें डेविएशन आएगा ही आएगा। मैक्सिमम डेविएशन किसमें आता है, F1 और F6 में क्या आता है, मैक्सिमम डेविएशन आता है, ठीक है। तो देख लो हमें क्या देखना है, क्लोजेस्ट है, देख लेते हैं कोई F7 वाला है या F14 वाला है क्या इसमें, F3 Nd3 प्लस क्या होता है, F3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, Gd3 प्लस क्या होता है, F7। Dy+3 क्या होता है, F9। हमें पता है एग्जैक्ट किसका आता है, एग्जैक्ट F7 का आता है, यानी कि आंसर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि ओनली बी, बाकी सब में डेविएशन आएगा ही आएगा, ठीक है क्लियर। इस तरीके से हम देख सकते हैं, या तुम कैलकुलेट करो बैठ के आराम से, फिर मजे लेके कैलकुलेट करते रहना, टाइम भी निकल जाएगा बाकी नहीं आते हुए तो, ठीक है। तो अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। देखा भी क्वेश्चन नंबर वो 60 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 59 हमने दो बार लिख दिया था, नंबरिंग में मिस्टेक हो गई थी, 59 तो 60 पिछले वाला था, ये कौन सा है, 61 है। इसके अंदर हमें क्या था, ऑर्गेनोमेटैलिक से क्वेश्चन था, क्या था कि इनमें से कौन सा भाई कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन तो पता नहीं है, शायद तक जो नहीं फॉलो करता है आंसर, शायद तक ये वाला था, ये वाला कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये क्या आयरन का है, D6 का, यानी कि 8 आएगा, N3 नेगेटिव यानी कि 3, Br पर नेगेटिव होता है यानी कि 2, PmE3 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट न्यूट्रल है तो 2, NmE2 पे नेगेटिव होता है यानी कि 1, -1 का आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा 11, 13, 15 और 17, यही कॉम्प्लेक्स था जिसका आंसर था। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, पूछा गया था कि भाई मेन सोर्स ऑफ फिजन एनर्जी का मेन सोर्स क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। अब तुम्हें पता है फिजन में क्या होता है, तो टूटते हैं न्यूक्लियाई, वो टूटते किसकी वजह से, लॉट्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो आपस में रिपेल करते हैं, इसकी वजह से वो फिजन होता है उनमें, फिजन होता है तो न्यूक्लियर एक्साइटेशन होती है। न्यूक्लियर एक्साइटेशन किसकी वजह से होती है, कुछ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिजन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट थी, अभी एग्जैक्टली स्टेटमेंट पता नहीं है, मेरे हिसाब से ये दो तो नहीं थी, ये वाली स्टेटमेंट उसके अंदर थी कि भाई एडजॉर्प्शन ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेन सोर्स ऑफ फ्यूजन एनर्जी का,
ठीक है। और नेक्स्ट थ्री के अंदर क्या था, हमें दे रखे थे कि भाई न्यूक्लियाई दे रखे थे, इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई है जो दोनों डीके करता है, बीटा प्लस भी करे और बीटा माइनस भी करे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रोडियम 104 है। इसकी सीरीज जो उसके आप चेक कर सकते हो कि ये पहले बीटा प्लस डीके करके आरयू में जाता है, तो 2 बीटा नेगेटिव डीके करके प्लेडियम में जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी बीटा नेगेटिव करके पैलेडियम में जा सकता है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आरएच वाला होगा 104, जो कि दोनों टाइप के डीके शो करता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि इसके एग्जैक्टली जो हमें ऑप्शन वगैरह थे ना वो पता नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन याद है, इस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पिन 5/2 के लिए क्या था, लाइंस कितनी आएंगी, लाइंस हमें पता 5/2 है, तो बस इंटीग्रल मल्टीपल में चलते जाओ, प्लस 5/2 प्लस 3/2 एक कम कर दिया, फिर क्या आएगा प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3/2, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5/2, ठीक है। टोटल कितनी लाइन आ गई, 6 लाइन आ गई, आंसर क्या आएगा 6 लाइंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था कि भाई SF4 के -98 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इसके साथ साथ उसने हमें क्या दे रखा था, इसके NMR दे रखे थे कि भाई ये स्ट्रक्चर होती है जिसका NMR ये है तो इसका, तो मतलब ऑप्शन करेक्ट कर चूज करना था हमें, तो हमें पता है SF4 है उसमें क्या होता है, बैरी सुडो रोटेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर पता करनी है, वो क्या होती है, TBP होती है ज्योमेट्री। कैसे पता लगा, हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे जो कि 5 आएगा, 5 यानी कि TBP होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें हम सीख चुके हैं। अब देखिए ये हमने निकाली, अगर मान लो मैं सारी फ्लोरीन को डिफरेंशिएट कर देता हूं 1, 2, 3 नंबरिंग कर देता हूं, तो इसमें बैरी सुडो रोटेशन की वजह से क्या होता है, 2 और 3 क्लोज आते हैं, F1 और 4 क्लोज आएंगे, तो इनमें एक्सचेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये रोटेशन है वो रुक जाएगा, मतलब तुम एक्सियल फ्लोरीन कौन सी है बता सकते हो, इक्वेटोरियल फ्लोरीन कौन सी है बता सकते हो, बट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा तो ये रोटेशन चलता रहेगा, नहीं रुकेगा, मतलब तुम नहीं बता सकते कि भाई एक्सियल कौन सी थी, इक्वेटोरियल कौन सी थी। जब एक्सियल और इक्वेटोरियल में फर्क नहीं कर पाओगे, इसका मतलब उनका सिग्नल एक ही आएगा, सिंगलेट आएगा, बट अगर तुम एक्सियल और इक्वेटोरियल में फर्क कर पा रहे हो बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, इसका मतलब उसके सिग्नल दो आएंगे, एक्सियल का अलग आएगा, इक्वेटोरियल का अलग आएगा, बस यही सिग्नल के साथ मैच करके हमें स्ट्रक्चर बता देनी थी कि भाई ये वाली स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर रह रही होगी तो ट्रिपलेट दिखेगा प्रॉपर, इसका इसके साथ ये वाली है तो प्रॉपर सिंगलेट दिखेगा, अगर ये वाली स्ट्रक्चर है तो बीच का सब कुछ दिखेगा, हमें NMR के साथ मैच करके इसका आंसर टिक कर देना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमें पूछा था कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट दे रखी थी, बस सिंपल सी एक स्टेटमेंट दे रखी कि भाई न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से कम होता है, हमें पता है न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, तो उसी स्टेटमेंट को हम टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन था, केमिकल इक्विलिब्रिया से था, बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, एसिडिक बफर दे रखा था, कंसंट्रेशन दे रखी थी और पीकेए दे रखी थी, हमें पीएच निकालनी थी। अब हमें पता है पीएच बफर सॉल्यूशन का हेंडरसन हासलब्लैथ इक्वेशन लिखाएंगे तो क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू पीकेए लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सबकी कंसंट्रेशन दे रखी थी, फॉर्मूला दे रखा था, पुट करना था, आंसर निकल जाएगा। एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है मतलब क्या क्या थी वैल्यूज, अदरवाइज हम इसको सोल्व भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्यू वैल्यू कैलकुलेशन करनी थी, अब इस क्यू वैल्यू के ना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के। क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है डेल एम चीज स्क्वायर, जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से क्यू वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सेम उसी तरीके से निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास डिफेक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमारी क्यू वैल्यू आ जाएगी, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, वैल्यूज याद नहीं है इसकी। और एक क्वेश्चन क्या था भाई, सॉल्यूशन जो पूछा गया था मतलब फेज डायग्राम दे रखा था, उसमें पूछा था भाई कितना सॉलिड है कितना लिक्विड है, ये लिक्विड था इस साइड सॉलिड था, कितना सॉलिड है कितना लिक्विड है, ये टाई लाइन का क्वेश्चन था, हम टाई लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू होगी उससे हमें पता चल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर एक टाई लाइन वाला एक टॉपिक है उसको देख लेना, उसके बेसिस पर तुम्हारा इसका आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो गाइस इस तरीके से हमने केमिस्ट्री सेक्शन के 70 क्वेश्चन डिस्कस किए और मैथ सेक्शन से 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो
हमने टोटल आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चन के अराउंड एग्जाम पेपर का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। तो अब आने वाला जो एग्जाम है, जैसे कि री एग्जाम हो रहा है, हमें पता है बार केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर ये वाला पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हाइब्रिड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।